सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 1966 के अनुसार वर्तमान सत्र के लिए गन्ना उत्पादन में अनिश्चितताओं के कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और चीनी सिरप के उपयोग पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित क्यों किया गया है? क्योंकि इस सीजन में चीनी उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है। सरकार का इरादा पर्याप्त घरेलू चीनी उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का है। चीनी मिलों को इथेनॉल मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को गन्ना और सिरप बेचना अधिक लाभदायक लगता है। हालांकि इससे भारतीय बाजार में चीनी की कमी हो सकती है। क्या इससे इथेनॉल मिश्रण के सरकार के लक्ष्य पर असर पड़ेगा? सरकार के अनुसार इस प्रतिबंध से 2025 से 2026 तक 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार अत्यधिक संकेंद्रित बी और सी गुड़, क्षतिग्रस्त चावल और मक्का जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक का उपयोग करके इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में मकई का उपयोग करने पर भी विचार कर रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे मकई खरीदने की योजना बना रही है। 2022 से 2023 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में सरकार का लक्ष्य गैसोलीन में 12% इथेनॉल मिश्रण हासिल करना है तथा अंततः लक्ष्य 15% है। भारत सरकार द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। हालांकि OMCs या तेल विपणन कंपनियों द्वारा बी हैवी गुड से प्राप्त मौजूदा प्रस्तावों से इथेनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी। बी हैवी गुड चीनी उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बाद बचा हुआ सिरप है। भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार प्रमुख उत्पादक राज्यों में सामान्य से कम वर्षा के कारण विपणन वर्ष 2023-24 में चीनी उत्पादन 8% गिरकर 33.7 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है। पिछले गन्ना पेराई सत्र 2022 से 2023 में कुल गन्ना उत्पादन 33.8 मिलियन मीट्रिक टन था। इथेनॉल उत्पादन में कटौती के निर्णय का उद्देश्य भारत में चीनी भंडार में और गिरावट को रोकना है। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए अन्य उपायों में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और बासमती चावल के लिए MEP न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करना शामिल है। अब इथेनॉल से संबंधित कुछ आधारभूत तथ्यों को देखें। इथेनॉल सबसे महत्वपूर्ण जैव ईंधनों में से एक है और प्राकृतिक रूप से पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं जैसे कि खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन और एथिलीन के जलयोजन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इथेनॉल इस्तेमाल की बात करें तो इसका एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में औषधीय उपयोग है। रासायनिक विलायक के रूप में और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे जैव ईंधन के रूप में। भारत में इथेनॉल उत्पादन वर्ष 2022 से 2023 दिसंबर अक्टूबर में देश में 4.94 बिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ जिसका 1/4 गन्ने के रस या सिरप से फीडस्टॉक के रूप में आया था। चीनी कंपनियों को गन्ने के रस और सिरप से इथेनॉल का उत्पादन करने से रोकने के लिए सरकार के इस आदेश से 2023-24 में 2 मिलियन टन से अधिक चीनी को कुल आपूर्ति में वापस लाया जा सकता है।